बस वाला कब तक आता है उसके बाद देखा जाएगा। गाइस बहुत देर से इंतजार करते हुए और जसपाल और मैं वेट कर रहे हैं गाड़ी कब आए उत्तराखंड की। जय थारा भाई जोगिंदर, जरूर आएगा भाई। थारा भाई जोगिंदर जरूर बस लेके जाएगा उत्तराखंड हल्द्वानी। बढ़िया 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 लग रहा है, बस में मिल जाएगी आज आपको है। टाइम से तो लग रहा था। शाम के हो गए करीब 6, तो गुड इवनिंग ब्रेंड, बड़ों को प्यारी बना, छोटों वाला होप करता हूँ मेरी तरह सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। और बता दूँ कि अब एक और बंदा बचा है लोग उत्तराखंड का जाने वाला, वो है जसपाल, तो आज शायद वो भी बैठ जाएगा और कल शाम तक उत्तराखंड सब चले जाएंगे। ऑलमोस्ट जिसको जाना था वो चला जाएगा और जिसको रहना वो रह जाएगा। हमारी वजह रहने की वजह थी सचिन शर्मा, जो एक निकम्मा था वो निकम्मा ही रहे, भगवान करे वो जिंदगी भर निकम्मा ही रहे। जब ज़रूरत के समय इंसान काम ना आए वो सब बेकार है। तो सब लोग कमेंट करना, ऐसे निकम्मों को भगवान कहीं जगह नहीं दे, नरक में जगह दे और वो अपनी लाइफ इंजॉयमेंट करे। होते हैं कुछ लोग तो उनके बारे में ज़्यादा बात करने से बेकार हमारे लिए। जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे गलत लोग जुड़ते हैं तो भगवान उनको ऑटोमेटिक दूर कर ही देता है, हो जाता है जब भी होता है। बने रहिए, आज उसको भी उत्तराखंड के लिए बिठा देंगे और एंजॉयमेंट कीजिए ब्लॉग को। आज जसपाल जा रहा है उत्तराखंड के लिए, लास्ट सवारी जसपाल था और जसपाल हमारे साथ खड़ा है। भाई जसपाल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया 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 लग रहा है। बस में मिल जाएगी आज आपको है? टाइम से तो लग रहा था बस वाले ने फोन नहीं उठाया। कितना टेंशन में थे? टेंशन तो था ही, परंतु आप विश्वास था। अब उम्मीद है कि भाई मिल जाएगा भाई, बस में बिठाएगा आराम से। एक्स वाई जेड देखो, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी साथ वाले हैं उनको यहाँ से बस में बिठाने तक की हमारी जिम्मेदारी है। आगे का सफर इनको खुद को करना पड़ता है और लाइफ में हमेशा है ना कुछ चीज़ें खुद को भी करनी पड़ती है। यहाँ से हमेशा जितने भी लोग गए हैं उन्हें हमें बिठाए हैं और उनको वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाए भी हैं। और इसी होटल पे आसपास जैसे निमराना ब्रिज ख़त्म होता है उसी के आसपास ये होटल है और उसे या तो रोड पर बस रुकती है या कभी ढाबे पर रुकती है, तो दोनों चीज़ें सेमेन करके ही मान लो कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जर्नी सुख शांति समृद्धि से रहे और पूजा अच्छे से इंजॉय करना और बाबा से प्रसाद लेके आना और हमारा यूट्यूब चैनल भी अच्छा चले। और हम किसकी वजह से नहीं जा रहे, वो है सचिन शर्मा जिसने हमें धोखा दिया। आज हम उत्तराखंड की जो पूजा का जो सेशन था वो हमने कैंसिल किया था, नहीं तो वरना आज ही हम बैठ जाते उत्तराखंड के लिए। पर उसे ये मैं कह दूँ कि जीवन में जब भी उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ज़रूरत में काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत में काम आया ही नहीं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी आप वो ज़िंदगी जिए मस्त तरीके से, उसे कोई याद नहीं करने वाला। अब वो अपना मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हम उत्तराखंड जाना कर दिया कैंसिल और अब इनको कह रहे हैं कि पूजा से जो भी प्रसाद लेके आओ सबको बांटो बढ़िया से और इन्जॉयमेंट करो। 5 दिन का सेशन है, बड़ा इन्जॉय करो। और गोपाल और मनोज को 29 तारीख को वहाँ से बिठा दो, जो 1 तारीख को यहाँ पहुँच जाए, 2 तारीख की अपनी पार्टी है। सो गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जसपाल जी को की जर्नी खूबसूरत बनाना। गाइस इंतजार देखते देखते बहुत टाइम हो गया, गाड़ी आ नहीं रही, खड़े सिर्फ मैं बिल्कुल खाली होटल के बाहर खड़े हैं। गाड़ी कब तक आती है ये इंतजार कह रहे उत्तराखंड वाले बस वाले बहुत देर से इंतजार कर, कब तक आएगी। आने वाली गाड़ी है कब तक पूछेगी। आएगी जरूर पर अभी तक कोई पता नहीं। भाई क्या बात है, जसपाल जाने की इच्छा ही नहीं रास्ता से उत्तराखंड। कैसा लग रहा है, बस वाले इंतजार करवा रहे जब रहे हैं हम लोग। और भाई इंतजार की घड़िया खत्म होगी, भाई जोगिंदर को कॉल लगा रहे पर जोगिंदर को जवाब नहीं दे रहा। उत्तराखंड ये बस आ गई काठगोदाम, ये भी रुकेगी भाई ढाबे पे जा रही है। ए तेरी राजस्थान हो ये भाई, राजस्थान परिवहन बस निकली और सबने चूर चूर हो गए। और कैसा लगा, अगर ये बस होती तो कितना अच्छा लगता यार। तो भाई अब देखते इंतजार कब तक होता है पूरा, बस वाला कब तक आता है उसके बाद देखा जाएगा। भाई जोगिंदर कहाँ 11 बजा दिए और ये ढाबे पे खड़े खड़े देख रहे यार, वह तो कुछ गाड़ी मिल नहीं रही यार, बहुत देर से इंतजार। देखो वह तो गाड़ियां जा रही है बस खाली।
सो गाइस बहुत देर से इंतजार करते हो गए और जसपाल और मैं वेट कर रहे हैं गाड़ी कब आए उत्तराखंड की, और गाड़ी की वजह से कितना विलंब हो रहा है यार, बहुत ज्यादा हो गया हूँ, इंतजार कर रहा हूँ अभी तक, और इंतजार भी नहीं, बेसब्री से इंतजार, लगता है मेरा भी जल्दी कॉल आएगा, पर बस आएगी जब हम बिठा के ही जाएंगे, क्योंकि हमें भी बहुत टाइम हो गया खड़े खड़े। बाकी देखते हैं भाई जोगेंद्र कितने जल्दी आ जाए। थारा भाई जोगेंद्र जरूर आएगा, थारा भाई जोगेंद्र जरूर आएगा, उत्तराखंड लेके जरूर जाएगा। जोगेंद्र का डायलॉग देखते हुए हमें वीडियो पे प्रमोट कर रहे हैं भाई, उत्तराखंड की बस कितनी लेट आती है क्या होता है पता नहीं, बाकी फुल इंजॉय चल रहा है भाई, क्या होता है क्या नहीं होता है, कब तक गाड़ी आ जाती है भाई, थारा भाई जोगेंद्र जरूर बस लेके जाएगा उत्तराखंड हल्द्वानी। मजे फुल चल रहे हैं, इंजॉयमेंट चल रही है, पर गाड़ी का कोई पता ही नहीं है भाई। सो गाइस चेक आउट दिस रोड, सुना सुना गाड़ी कब तक पूछती है कोई पता नहीं, और लगता है जल्दी बस आएगी भाई, लेके जा सवारी को भाई, आराम से जाना बाय बाय। सो गाइस उत्तराखंड वाली बस में बिठा दिया इन लोगों को, और बस नंबर देखिए काठगोदाम, बाय बाय।